हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिफिनेट इंटीग्रल। आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये क्वेश्चन ईजी से समझ में आ सके, कॉन्सेप्ट कैसे लगाए जाते हैं ईजी से समझ में आ सके। चलो, यहाँ दिया है क्वेश्चन 0 to 1, x sin inverse x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, sin inverse x इक्वल टू मानेंगे t, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin t। अब बात करते हैं यहाँ पे इसको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, dx इक्वल टू यहाँ पे sin t का क्या हो जाएगा, cos t dt। अब लिमिट फाइंड आउट करने के लिए बात करते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारा 0 0 रखेंगे, तो ये साइन टी टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0। अब बात करते हैं अपर लिमिट की, अपर लिमिट क्या है, 1 है, 1 आ जाएगा, साइन टी टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। तो हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो गई, निकल गई, पहले ये रख दीजिए। अब बात करते हैं एक्स इक्वल टू साइन टी, लिख दीजिए साइन टी। अब यहाँ पे साइन इनवर्स के स्थान पे टी, बात करें तो x के स्थान पे 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर। अब बचा dx के स्थान पे cos टी डी टी। तो पूरी तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, x के स्थान पे हमने रख दिया साइन टी और t के स्थान पे साइन इनवर्स माना है, यहाँ पे x के स्थान पे साइन टी और यहाँ पे dx के स्थान पे cos टी डी टी। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, पहले पाई बाई 2 साइन टी इंटू टी अपान में, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कॉस स्क्वायर टी, तो रूट से बाहर आएगा तो बचेगा क्या, कॉस टी, और यहाँ पे है कॉस टी डी टी, तो यहाँ से कॉस टी क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 2 टी साइन टी और यहाँ पे डी टी। अब इसको क्या मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या मान लीजिए सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी, फिर क्या होता है माइनस डी बाई डी टी टी और यहाँ पे साइन टी डी टी, ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ पे टी लिख दीजिए फर्स्ट फंक्शन। अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट को, और यही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो टी साइन टी का माइनस कॉस टी लिख लिए। अब यहाँ पे माइनस है, अब देखिए टी का क्या हो गया 1, साइन टी का क्या हो गया माइनस कॉस टी, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी, और यहाँ पे आपको क्या रखना है लिमिट 0 to π/2। चलिए सबसे पहले पाई बाई 2 को रख देते हैं, माइनस पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या होगा, माइनस ब्रेकेट लगा दीजिए माइनस, अब ये 0 रखेंगे t के स्थान पे तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि तो मल्टीप्लाई है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई है, साइन 0 की वैल्यू 0 तो 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है पाई बाई 2, तो यहाँ पे सही था लेकिन कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 1, ठीक है, तो ये आपका आंसर, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, टेक्नोमेट्री प्लस इंटीग्रेशन बाई पार्ट सब्स्टिट्यूशन सब यहाँ पे अप्लाई है क्वेश्चन में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप जरूरी इस क्वेश्चन को जरूर एक बार दो बार सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं हर पैटर्न का क्वेश्चन कराने का कोशिश करता हूँ, आई थिंक एक और लेक्चर होगा उसके बाद हमारा डिफिनिट इंटीग्रल पूरी तरीके से क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन और यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन दिया है सेकंड नंबर 0 to ∞ साइन टेन इनवर्स एक्स अपान में 1 + x² dx, ठीक है, तो ये हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है,
ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको पहले, सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिए, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी मानिए और इसको कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन, वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं लिमिट की। जब एक्स इक्वल टू लोअर लिमिट के लिए बात करें तो एक्स इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही होगी। क्या होगी, जीरो, क्योंकि tan जीरो की वैल्यू जीरो। चलो x इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी है, तो t की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू, चूंकि tan इंफिनिटी क्या होता है, 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ से लिमिट चेंज कर दी देते हैं, जीरो टू पाई बाई टू। अब देखिए साइन तो ऑलरेडी रहेगा, tan इनवर्स क्या माने हैं t, और यहाँ पे देखिए डी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर टू डी टी। ठीक है, तो ये टेन इनवर्स क्या मानेगा टी और यहाँ से डी टी, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बच गया, साइन टी इंटू टी। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकेंड फंक्शन। चलिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन फिर करते हैं किसका, डी बाई डी टी टी और यहाँ पे किसका साइन टी और यहाँ पे डी टी। चलिए टी साइन टी का क्या हो जाता है, माइनस कॉस टी और यहाँ पे माइनस है टी का वन, साइन टी का माइनस कॉस टी और कॉस टी का साइन टी। लिमिट रख दीजिए कितना, पाई बाई टू से लेके जीरो। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, सबसे पहले पाई बाई टू रखते हैं, माइनस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू प्लस साइन पाई बाई टू माइनस। अब देखिए यहाँ पे जीरो रखेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो रखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है वन, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन छूट रहे थे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप हर पैटर्न के क्वेश्चन मैं कराया हूँ आपके एक्सरसाइज से, जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन मैं करा चुका। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ क्या होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी ही आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, प्लस आपको फार्मूले याद होने चाहिए हर सब्जेक्ट के, जो जो भी हम चैप्टर उठाते हैं, जो भी हम टॉपिक्स उठाते हैं, सबसे पहले हम फार्मूले डिस्कस करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन कराते हुए निकल जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों उससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम एनर्जी के साथ लेक्चर को बनाते चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।